स्वागत है। आप देख रहे हैं केएसटी न्यूज लाइव, हर सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ में किया है नजर डालते हैं आज की। पुलिस अधीक्षक चंदौली संतोष कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत वह क्षेत्राधिकारी सदर चंदौली प्रदीप सिंह चंदेल के कुशल पर्यवेक्षण में थाना चंदौली पुलिस व क्राइम ब्रांच चंदौली की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 10 जनवरी को जा जसूरी नहर के पास स्थित बगीचे में रखे पुआल में छुपाकर रखी गई 100 पेटी में कुल 4840 सीसी अवैध शराब, जिस पर क्रेजी रोमियो विस्की 1880 ml अंकित है व एक अदद स्कॉर्पियो नंबर HR26W1608 के साथ एक आदत कूट रचित नंबर प्लेट BR44D4423 सहित 4 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब की कीमत लगभग 3,48,000 है। शराब तस्कर उक्त अवैध शराब को बिहार प्रांत में शराबबंदी होने के कारण अवैध तस्करी कर ले जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता, पहला सोनू कुमार सिंह उर्फ बबलू पुत्र राज बहादुर सिंह निवासी खानी दौरा थाना दुर्गावती भभुआ बिहार, कैलाश पति पुत्र मेवालाल निवासी वैरनपुरा थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर, रुद्र यादव पुत्र नगीना यादव निवासी वार्ड नंबर 11 मोहनिया थाने के पीछे थाना मोहनिया भभुआ बिहार, सर्वेश कुमार उर्फ विकास कुमार पुत्र राजकुमार निवासी कुलहुआ थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।